हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं हेयर स्टाइल की, कि आप पीछे का बन किस तरह से क्रिएट कर सकते हो फ्रंट हेयर स्टाइल पे। आप इसे लहंगे पे भी, गाउन पे भी, सब पे दे सकते हो। सिर्फ आपका बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सिंपल वे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने हेयर्स में जो है क्रिम्पिंग कर ली थी, देन हमने सेक्शन निकाला है टॉप टू ईयर एंड हॉर्स शू का। तो हॉर्स शू को आप सारे सेक्शन में सेक्शन क्लिप कैरी कर दीजिएगा। और यहाँ मैं पहले ही आज बैक कॉम्बिंग करके हॉर्स शू बना रही हूँ। पहले था कि हम ओपन हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं, फिर बाद में हुआ कि हमें बन ही बनाना है, तो इसलिए मैंने पौनी पहले नहीं बनाई। तो वो पौनी हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर आपसे भी इस तरह से अगर हो जाता है कि गलती से आप पौनी नहीं बना पाते हो, तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिएगा कि मैंने यहाँ पे हॉर्स शू क्रिएट करा है, बैक कॉमिंग कर रही हूँ, देन हेयर स्प्रे लगा रही हूँ, और चार सेक्शन में मैं डिवाइड कर लिया है। वो आपकी हेयर की ग्रोथ के ऊपर होता है कि आप कितनी हेयर ग्रोथ है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो भी हेयर है उसमें बैक कॉमिंग करेंगे। और फ्रंट वाले में जब लास्ट का रह जाता है ना, तो उसमें बैक कॉमिंग आपको थोड़ी सी कम करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें फ्रेश करने के लिए हेयर होते हैं, तो इसलिए हम बैक कॉमिंग उसमें हम कम करेंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने जो है वो अच्छे से कॉम करा है, हल्के हाथों से कॉम करा है। उन कॉम वाले बालों को मैंने जहाँ बैक कॉमिंग करी थी वो अलग कर दिया था, देन जो भी नीचे के हेयर्स थे वो मुझे यहाँ पे पौनी बनानी थी। और मैं लो वन बना रही हूँ, तो लो वन के लिए आपके नीचे की साइड ही आपको अपना जो है वो जूड़ा जो है वो क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे क्या है, पिन लेंगे। मैंने ये चीज़ भी आपको बता रखी है कि आपको किस तरह से पिन जो है वो लेनी है, और रबड़ बैंड में टैक करने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में जाके आपको ये पिन्स लगा देनी है। तो ये इजीली आपकी पौनी बन जाता है एकदम फिनिशिंग के साथ में। अगर आप नॉर्मली रबड़ बैंड लगाते हो ना, तो वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इस तरह से बनाओगे तो बहुत अच्छा से फिनिशिंग आएगा। तो मैंने जो है हॉर्स शू जो है, देखिएगा थोड़ा सा मैंने ब्रॉड दिया है। वो हर मतलब कि हर क्लाइंट के हेयर के ऊपर होता है, देन उनके हेयर के स्ट्रक्चर के ऊपर भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे इनके हॉर्स शू आया तो सेम अलग भी जो भी क्लाइंट होती हैं उनके भी साथ ऐसा ही होगा। तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इनका थोड़ा मैंने फेस के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा हॉर्स शू बढ़ा दिया था। और जब भी आप हॉर्स शू बनाते हो तो उस तरह से कॉम करो, जहाँ भी आप पौनी करनी है वहीं आपको जो हॉर्स शू की पिन अटैक करनी है वो पौनी के साथ ही टच करनी है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर की साइड करोगे, तो वरना आपका जो बन है वो अच्छे से क्रिएट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फ्रेंच दे रहे हैं, और फ्रेंच को आप देखोगे किस तरह से हम फ्रेंच चोटी बना रहे हैं, देन उनके फ्रिल जो होंगे वो हम ओपन करेंगे। तो आप पहले अपनी जो आपकी फ्रेंच है वो आप क्रिएट करोगे, देन हाफ तक क्रिएट करोगे, क्योंकि जब उन्हें फ्रिल आप खोलते हो ना तो वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए वो पहले आप हाफ तक क्रिएट करोगे, देन उन्हें फ्रिल को ओपन करोगे, फिर हाफ को आपको फ्रेंच बनाना है, फिर जो है फ्रिल ओपन करनी है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे गाइस, तो आप अच्छे से कर पाओगे। फेस फ्रेमिंग के लिए हमने हेयर्स जो हैं वो पहले ही निकाल लिए थे। तो ये बहुत सॉफ्ट सा हेयर स्टाइल है और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है। आप किसी के ऊपर भी दे सकते हो। आप फेस को क्लाइंट का देखोगे कि उनके बीच का पार्टीशन जो है वो अच्छा हो लग रहा है या नहीं लग रहा है, तब आप उनके ऊपर बीच का पार्टीशन निकालोगे। देन आप देख सकते हो मैं किस तरह से फ्रिल ओपन कर रही हूँ। ना ही आप ज़्यादा ओपन करोगे ना ज़्यादा कम करोगे, और आप जहाँ से अपने पौनी को पकड़ा हुआ है ना, जहाँ से फ्रिल वाले हेयर को पकड़ा हुआ है, जहाँ आपने फ्रेंच बनाई है, वहाँ से टाइटली नहीं पकड़ोगे, थोड़ा सा सॉफ्ट पकड़ोगे। अगर टाइट पकड़ते हो तो आपका फ्रिल जो है वो ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप देखिएगा मैंने पहले हाफ में करा था, देन हाफ में मैं फिर से कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से आपका फ्रिल आ रहा है। अगर आपका फेस ज़्यादा ब्रॉड है तो फेस फ्रेमिंग अच्छी रखोगे, जिससे क्या होगा ना, आपका फेस जो है वो जो बड़ा है वो कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उनके फेस के अकॉर्डिंग ही हेयर स्टाइल बनाएं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं जहाँ भी हॉर्स शू के साइड का पार्टीशन था, मैं वहाँ से जो चोटी को लेकर जा रही हूँ, और देन जहाँ हमारा पौनी बनाई थी और वहाँ जाके मैं अटैच कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि हॉर्स शू के साइड साइड हमें लेके जाना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि चोटी को जो है वो साइड में लेके जाना है हॉर्स शू का। तो आप देख सकते हो कि एक ईजीली हेयर स्टाइल जो है वो कितनी अच्छे से बन रही है और कितने अच्छे से क्रिएट हो रही है।
तो यहाँ पे मैंने टीका नहीं लगाया था, उनका टीका गोल्ड का था, तो वो मैंने बाद में टच कर दिया था क्योंकि उसकी जो आप बोलोगे लड़ी जो थी वो बहुत शॉर्ट थी, तो वो मैं सिर्फ यहीं मतलब आपके हॉर्स से पहले ही अटैच मैं कर दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें क्लाइंट बाद में बताता है कि हमें टीका भी अटैच करना है, तो उसके लिए भी आप देखिएगा कि किस तरह से हम टीका बाद में अटैच करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, अगर आप हॉर्स के बीच में से निकालते हो ना तो हॉर्स आपका ख़राब हो जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि आपके हेयर स्टाइल भी ख़राब ना हो और आपका जो आप चीज़ें अटैच कर रहे हो वो फिनिशिंग से अटैच करो। तो आप फ्रेस फ्रेमिंग के लिए दोनों तरफ से ना हेयर सेम आपको निकालना है, ऐसा नहीं है कि एक साइड से ज़्यादा निकाल लें देन दूसरी साइड से आपको ज़्यादा निकालना है। और पीछे का जो बन है ना, सिर्फ मैंने 2 या 3 मिनट में क्रिएट कर दिया था। कभी कभी होता है ना कि हमारे जो पार्लर है या सलून है वहाँ बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं और आप अच्छे से मतलब कि आपको सबका काम जल्दी करना है और अच्छा भी करना है, तो उसके लिए भी आप देखिएगा कि कितने इजी तरीके से आप बहुत कम टाइम में किस तरह से आप जूड़ा बना सकते हो, तो वो सब कुछ मैं आपको इजीली बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं करा था, नॉर्मल मैंने वीडियो बनाई है कि आप अच्छे से उन्हें देख के सीख पाओ। और गाइस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ भी अच्छे से फिनिशिंग से नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें। और आप देख सकते हो जो डोनेट होता है ना, डोनेट का हमने कुछ पार्ट उसमें से कट करा था सीज़र से और हमने पोनी के चारों तरफ जो है उसे फोल्ड कर दिया था और यू पिन की हेल्प से हमने फोल्ड करा था। देन मैं सिर्फ हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनके हेयर थोड़ा लॉन्ग थे। आप देख सकते हो कि किस तरह से मुझे लेयर्स जो है वो ओपन करनी है। ये तब का काम है कि आपके सलून में बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको कुछ अच्छा क्रिएट करना है, बहुत जल्दी से भी क्रिएट हो जाए। तो आप देख सकते हो कितने इजीली मैं ये जूड़ा आपको सिखा रही हूँ और बहुत खूबसूरत जूड़ा है। उसके पास बाद में आप कोई भी हेयर एसेसरीज अटैच कर सकते हो, जो भी आपके पास हो, जो भी क्लाइंट के पास हो, तो आप इस तरह से हेयर स्टाइल क्रिएट करिएगा और यू पिन की हेल्प से साथ के साथ अटैच करते रहिएगा, जिससे कि वो बाद में क्लाइंट के लॉन्ग लास्टिंग रहे और जब तक वो फंक्शन में रहे तब तक उनका हेयर स्टाइल जो है वो ओपन ना हो। तो ये आप करिएगा। और आप देख सकते हो एक अदर साइड हमने एक साइड लगाया था, देन दूसरा जो पार्टीशन हमने छोड़ा था वो हम अदर साइड लगाएंगे। और आज थोड़ा सा वीडियो हमारा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क था तो हम ठीक से वीडियो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। अदरवाइज़ हमने सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत तरीके से हमने बनाया है। अगर आप किसी के शॉर्ट हेयर भी है ना तब भी आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, तब क्या होगा कि आप डोनेट थोड़ा बड़ा लोगे। इनके क्लाइंट के हेयर थोड़े लॉन्ग थे इसलिए मैंने डोनेट का कुछ ही पार्ट इनके लगाया है निकाल के, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि वो कुछ कुछ पार्ट ही लगाएं आप उनके हेयर को देख के ना, कि ज़्यादा बड़ा डोनेट ना यूज़ करें। डोनेट बड़ा यूज़ करते हो तो अगर लॉन्ग हेयर हैं तो वो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएगा। और ऑलमोस्ट हमारा जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज आपको कैसा लग रहा है ये हेयर स्टाइल, तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। देन अगर आप मेरे इंस्टा आईडी से कनेक्ट नहीं हो तो मेरी इंस्टा आईडी है नीलम मेकओवर 447, वहाँ भी आप जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। मैं छोटे छोटे पार्ट्स वहाँ भी अपने डालती रहती हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा जो ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। तो बीच जो लास्ट में हमारा पार्ट बचा था वो मैंने एक रोजेस की तरह कनेक्ट करके और वो कनेक्ट कर दिया था बीच में, बीच के पार्टीशन में, और जो भी साइड के हेयर बच रहे थे वो मैंने आगे की साइड ले जाके कनेक्ट कर दिए थे। और हमने हेयर एसेसरीज़ यहाँ हमने लगा दी थी, तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत हेयर स्टाइल लग रही है। आई होप आपको पसंद आई होगी।